आज की न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज मुस्लिम आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के सभी गांव, जिले, तालुके में एक निवेदन सहायक जिला अधिकारी को दिया गया। आज प्राध्यापक जावेद पाशा की अध्यक्षता में हर गांव, जिले, तालुके में मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक निवेदन दिया गया। आज किनवट में भी किनवट के सहायक जिला अधिकारी अभिनय गोयल को किनवट के सभी मुसलमानों ने एक निवेदन दिया है। उस निवेदन में कहा है कि जैसा महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को मंजूरी दी है, उसी तरह महाराष्ट्र के सभी मुसलमान को आरक्षण दे। मुस्लिम को आरक्षण से दूर क्यों किया गया, ऐसा भी सवाल उठ रहा है। जबकि मराठा आरक्षण को लेकर मुस्लिम समाज भी मराठा के साथ इस आरक्षण की लड़ाई में था। मुसलमानों के आरक्षण को मंजूरी नहीं मिली तो हम भी रास्ता रोको, धरने, आंदोलन और आत्महत्या करेंगे, ऐसा बहुत से मुसलमान कह रहे हैं। आज किनवट में मुस्लिम आरक्षण को लेकर यहाँ पर SDM साहब को एक निवेदन दिया गया है। यहाँ के परवीन मैडम हैं, उनसे बात करते हैं कि ये निवेदन किस लिए दिया गया और मुस्लिम आरक्षण के लिए दिया गया है। और जैसा कि महाराष्ट्र में मराठवाड़ा के लिए आरक्षण घोषित किया गया था, वैसा ही इन्होंने ये मांग को लेकर, मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर यहाँ पर निवेदन दिया गया। इनसे बात करते हैं। आज भारतीय मुस्लिम परिषद महाराष्ट्र मुस्लिम आरक्षण आंदोलन के तहत मागा स्वर्गीय मुस्लिम समाज प्राध्यापक जावेद पाशा कुरैशी इनके अध्यक्ष के इसमें मुस्लिम आरक्षण में संघर्ष के लिए हमने आज मुस्लिम आरक्षण के लिए आज यहाँ पर उपजिला अधिकारी यहाँ पर सभी हम मिलकर यहाँ पर निवेदन दिए हैं कि हमें भी मराठा समाज के साथ साथ हमें भी मुस्लिम आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्रीयन मुस्लिम बहुत छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, हस्त व्यवसाय करते हैं, खेती का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और महाराष्ट्र में 85% मुस्लिम जब मतदान करते हैं तो हमें आरक्षण भी मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत हमारे मुस्लिम समाज में बहुत लोग गरीब है और सरकारी नौकरियों में तो सिर्फ 2% मुस्लिम समाज है, क्योंकि हम आर्थिक भी बहुत मजबूत नहीं है। इसीलिए हमारा मुख्यमंत्री फडणवीस साहब से और हमारा यह अर्थमंत्री जो अपने सुधीर मुंगटीवार साहब है, उनसे भी हमारा निवेदन है कि हमें मराठा समाज के साथ साथ मुस्लिम आरक्षण भी मिलना चाहिए। हमारी ये मांग है और ये मांग हम अधिवेशन में भी हम आएंगे और मुस्लिम आरक्षण के लिए हम अधिवेशन में भी धरने आंदोलन करेंगे, और यही हमारी मुख्यमंत्री साहब से और हमारे सुधीर मुंगटीवार साहब से भी, ये सभी हमारे मुस्लिम समाज की तरफ से हमने ये निवेदन आज यहाँ पर दिया है, और हमारे साथ साथ सभी पार्टी के यहाँ पर मिलकर हमने निवेदन दिया है, और उपनगर अध्यक्ष माजी नगर अध्यक्ष साजिद खान भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, MIM के मजहर भाई भी यहाँ पर मौजूद है, और हमारे विजन एकेडमी के जाकिर सर यहाँ पर मौजूद है, और सभी नगर सेवक सभी पक्ष के तरफ से हमने यह निवेदन आज दिया है। यहाँ पर किनवट नगर पालिका के माजी नगर अध्यक्ष साजिद खान है, इनसे बात करते हैं। आज जो मुस्लिम आरक्षण के लिए सभी लोगों ने, सर्वपक्षी हम लोगों ने एक निवेदन दिया है यहाँ पर, जैसा कि मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मराठा समाज के लिए आरक्षण मिला है, और साथ ही साथ ज़रूरी है कि मुस्लिम लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि बिछड़ावा और काफ़ी शैक्षणिक से दूर होता समाज का मुस्लिम समाज है, इसलिए उनके साथ साथ हम लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, जैसा कि कोई भी भेदभाव नहीं होते हुए आज पूरे महाराष्ट्र में इस आरक्षण के लिए सब लोगों की मांग हो रही है। उस तरह हम लोगों भी किनवट के सभी पार्टी के लोग मिलकर आज माननीय SDM साहब के पास एक निवेदन दिया है, इसका दखल लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री तक इसका संदेश पहुँचा है, हमने इनसे गुजारिश की है। मुझे उम्मीद है कि महाराष्ट्र की सरकार इस पर ज़रूर विचार कर जो पिछड़ा हुआ है मुस्लिम समाज,
उनको लिए शैक्षणिक आर्थिक रिजर्वेशन देंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ। स्टार्ट। मुस्लिम आरक्षण के लिए यहाँ पर इनके साथ में स्कूल के भी स्टूडेंट आए वाले हैं, उनसे बात करते हैं। हमारी पढ़ाई अच्छी होने के बाद भी हमें 4-5 मार्क से आरक्षण नहीं होने की वजह से हम पीछे रह जाते, सरकारी नौकरियों से पीछे रह जाते, यूं ही हम अटक जाते हैं। तो यही हमारा कहना है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे थोड़ा आरक्षण चाहिए। बोलिए। आज हमने यहाँ पर अपने आरक्षण के लिए अपनी अर्जी प्रस्तुत की है। अब यहाँ पर हमारे देश में कितने भी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आरक्षण रहने की वजह से जो पढ़ लिख रहा है उसे आगे नहीं बढ़ने मिल रहा है, और जो अच्छी क्वालिटी के लोग हैं वो बाहर देश जाकर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा रहे हैं, उसके वजह से हम जो पढ़े लिखे हैं वो आरक्षण की वजह से पीछे रह रहे हैं। अगर हमें भी आरक्षण मिलेगा तो सब लेवल में रहेंगे और भारत में भी अमेरिका जैसे अपनी प्रगति कर पाएंगे। आज सर्वपक्षी पदाधिकारी कार्यकर्ता आज मुस्लिम आरक्षण के बारे में एडीएम साहब को जो इसके जो निवेदन दिए हैं, ये निवेदन माननीय एडीएम साहब सरकार तक जो इसके पहुँचाए, और हमेशा जो इसके आंदोलन होते आ रहे हैं मराठा आरक्षण, अब हर समाज के जो इसके लोग आरक्षण के बारे में मोर्चे वगैरह निकाल रहे हैं। ये हमारा देश एक ऐसा देश है कि यहाँ कोई भेदभाव ना होते हुए सबको न्याय मिलना चाहिए। आज हम तेलंगाना में देखते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी वहाँ काम कर रहे हैं, शायद ऐसा मुख्यमंत्री तो कोई हमारे देश में नहीं है। जो वहाँ के मुख्य तेलंगाना के मुख्यमंत्री है उनके काम को मैं जो है कि सलाम करता हूँ, और उनके जो है कि हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि कोई भेदभाव ना करते हुए हर समाज को जो है कि उन्होंने लेके चल रहे हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कि हमारा मुस्लिम समाज इतना जो है कि बिछड़ा हुआ है, आज कोई जो है कि नेता कोई गवर्नमेंट आज मुसलमानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है कि मुसलमानों की तरफ से मुसलमानों की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और हमको भी जो है कोई आरक्षण दे। आज हमारे नौजवान आज जो है कि शिक्षण से जो है कि वंचित है, आज जो है कि दारिद्र रेखा में है, आज उनका इतना बेहाल है, मगर कोई जो है कि मुस्लिम समाज की तरफ से कोई ऐसा जो है कि सुझाव नहीं देने आ दिया है। मैं यही कहूँगा सरकार से कि भाई मुस्लिम आरक्षण के लिए भी थोड़ा विचार करें और जो है कि समाज को लेकर चले, जैसा कि मराठा समाज है, मराठा समाज को भी जो है कि बिल्कुल आरक्षण देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? ये देश के नागरिक है, वो भी जो है कि एक समाज बिछड़ा हुआ समाज है, उनको भी आरक्षण देना चाहिए, मुस्लिम समाज को भी आरक्षण देना चाहिए। मैं इतना कहते हुए मैं सरकार से विनती करता हूँ कि हमारे जो है समाज की तरफ थोड़ा ध्यान दें। इसी के साथ समाचार समाप्त।